गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। दगड़ियों, रात एक बज गई 8 और एलविचू पहाड़ी पैराडाइज में, और आज इस घर की देवी आने वाली है। जैसी मुझे पता चला कि रंजना देवी आ रही है, तो आपको थोड़ा सा अंतर नजर आ रहा होगा कमरे में। चद्दर थोड़ा सा, अरे यार ज्यादा सिलवट पड़ गई, मजा आ गया। कल तक यहाँ पे बैग पड़ा था, पैंट कमीज रुमाल सब पड़े हुए थे। ये होता है घरवाली का खौफ। बिल्कुल, वो एक कहावत सुनी होगी आपने, घर का बिगड़ा फौज में सुधरा। फौज का बिगड़ा कहीं नहीं सुधरा, लेकिन ऐसा नहीं होता। फौज का बिगड़ा भी घरवाली के हाथों सुधर सकता है, अगर खूंखार वाली मिल गई तो। इधर भी मैंने साफ सफाई कर दी है और मोड़े भी मैंने अच्छे से रख दिए हैं, ताकि वो आएगी तो आराम से यहाँ पे देख के खुश हो जाए ना। दगड़ियों, दिल्ली पे वो अला बला में होना है। दगड़ियों, घर फोन कर बता दियो रंजना उड़ी वाले हो गए, उनको भी टेंशन हुई रहती है। जैसी रंजना मैद गई, मतलब एक हफ्ते से ज्यादा होता है ना, मम्मी का खुशखुशाट इधर आलिन है के खटपटते न रहे तुम्हारे बीच। हमारे कुछ कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं गांव वाले, भमका देते हैं, अला तदू मैद के जाने तो हर 10-15 दिन में मैद भेज जाए। मम्मी को हो जाती है टेंशन, फिर मम्मी मेरा सर खाती है ना, तो उसको मैं खुशखबरी दे देता हूँ। अब ये रिश्तेदार कैसे नहीं रहने थे, जब तक ब्याह नहीं हो रहा था, ब्याह कहना कन्या अब उम्र है रे, जब बूढ़ी जालो तब कल्ला ब्याह है, टाइम पर आओ भल होने पर बाद मनी बूश है जाने बॉय, ऐसे ऐसे ना। बाई गॉड, बहुत मतलब बहुत कठिन है यार ये गृहस्थी जीवन, बता रहा हूँ मैं आपको, इससे अच्छा संन्यास है। आप प्रणाम। प्रणाम बेटा, ठीक है? हाँ, नहा धो लिया, पूजा पाठ कर ली। अब नाश्ता बनाएगा? नहीं, व्रत है आज। अच्छा, व्रत है आज? हाँ, तीसरा है व्रत। हाँ, तीसरा व्रत है आज। क्या कर रहा हूँ मैं व्रत? 9 दिन आ गई, 9 दिन के नवरात्रि। अच्छा, हाँ बढ़िया सर। हाँ, ये भी सही है, कौन लगे बबाला, एक बर्त का बहाना हो गया है। वैसे खाना बनाने वाली आने वाली है आज। हाँ, नमस्कार। उन्हीं हुआ को टेंशन ना लिए आप, पूछ जाए ना है, क्या टेंशन हो रहा है। जो जी को आप ही को तो आपुन नांतिलन में विश्वास दर। हाँ। तो दोस्तों, अब से किसी भी पल महारानी रंजना पहाड़ी पैराडाइज में पहुंच सकती है, उनके स्वागत की तैयारियां हो चुकी है दोस्तों। हे रंजना देवी बड़ी सयानी, तेरे जैसा खपकट कोई नहीं, मेरी सैन के बराबर कोई नहीं। खपकट मतलब जो, हाँ मतलब जो बहुत ही प्यारा होता है, मधुर प्रिय वचन होते हैं उसके। मेरे सहन के बराबर कोई नहीं। आज भी वही चादर बिछी हुई है। अभी चादर चेंज करो, तुम्हें ही करना है सब कुछ। iPhone in color ice cold blue। मजा आ गया। बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। नई iPhone की मैंने बिग बिलियन डे सेल में लिया है। ये हमारे घर का मशहूर हुड़कावाद यंत्र, जब भी घरवाली मैं से ससुराल आती है दोस्तों, तब ये यंत्र बजाया जाता है। तो अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आएगी तो इस ब्लॉग को शेयर कर देना, अपने स्टेटस में लगा देना, ठीक है। ये रंजना पंत महाचंड, ये मेरे रंजुली मैं गे, मेरा दाजू मेरा दाजू पराणी दुर्गे, ये मेरे रंजुली मैं गे, मेरा दाजू पराणी दुर्गे, हे यो नौतना बरतना मैणी, मेरा दाजू ब्रेड खाऊने की आगे। ये घुगुती का घोला, घुगुती का घोला, खा खा बेरा मेरे घरवाई, पढ़ पढ़ बेरा मेरे घरवारी, है रे कशी ढोला, ओ रंजना तिले गोरे उजाड़ की ले लगाया। हे घुगुती का घोला, घुगुती का घोला, खा खा बेरा मेरे घरवाई, खा खा बेरा मेरे घरवाई, है रे कशी ढोला, ओ रंजना तिले गोरे उजाड़ की ले लगाया। मतलब ये है कि घुगुती का घोला, घुगुती का घोला मतलब पिजन का घोल, पिजन का घोल, ठीक है। खा खा बेरा मेरे घरवाली, मुझे पता है, मतलब डाइटिंग कर करके मेरी घरवाली, पढ़ पढ़ बेरा मेरे घरवाली, मतलब मेडिटेशन कर करके मेरी घरवाली, है रे कसी ढोला, मतलब डंबल से बढ़िया सा, मतलब
वो मुझे समझ आ गया, आगे बताओ लास्ट वाली लाइन। बिजली का तार वाला और रंजना तिले गोरु झाड़े किले लगाया। मतलब कि तूने रंजना अपनी गोर अपनी गाय उजाड़ क्यों लगाई, मतलब दूसरों के खेत में क्यों लगाई। अच्छा हाँ ये मैं क्यों लगाऊंगी, मेरी गाय मेरे सांड ही क्या क्या मेरा सांड खुद ही उजाड़ लगाने में है। तुमने क्या बोल दिया, तुम्हें पता भी है बस उजाड़ जाने से तो हो ही रहा था आजकल। You never know, तुमने क्या बोल दिया। तो दोस्तों आप बताना कि व्रत में कलाकंद खा सकते हैं क्या, तभी मैं कल खाऊंगा, आज नहीं खा रहा हूँ, मुझे कोई भरोसा नहीं। प्रसाद का है वो, सारी दुनिया ने प्रसाद में खाया है कलाकंद। बहुत मजा आया आपको देख के। दोस्तों रंजना को मैंने एक रील पे टैग किया था इंस्टाग्राम में, अब रंजना वो रील देखने जा रही है। करो यू आर माय वर्ल्ड दीपिका। तो अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों दुकान में, वहां से कुछ लेके आता हूँ, कुछ बनाती हूँ आपके लिए। कह रही है दही क्या बनाती है, आप भी देखे रहना। फाइनली वो घड़ी आई गई है जब पहाड़ी पैराडाइज के चूल्हे का उद्घाटन होगा, और उद्घाटन में इतनी लजीज चीज बन रही है ना दोस्तों, आप मजा आ जाएगा आपको देख के। टन टन इतना तुमने मेरा नाव रख दिया है ना, इसको पहाड़ी में बोलो ना। मैं तो मन के कतु भलवल व्यंजन व्यंजन ये तो शुद्ध पहाड़ी की जगह शुद्ध हिंदी बोल रही तुमने। इतनी यार तो नहीं सोच रहा, मैं पहले मैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ, फिर हिंदी से। हाँ कतु प्रकार बनू बनून बन बनून बन गन। ब्याह करने का ये फायदा होता है दोस्तों, ये तीन दिन से मैं सूखे ड्राई फ्रूट ही खा रहा था, आज पहली बार ये आप देखिए कढ़ाई में भुने हुए ड्राई फ्रूट खाऊंगा। ओम कुटगाड़ी कोकिला माता ए नमः। दोस्तों तुम और मैं रंजना को खाली बदनाम करते हैं यार, कितनी प्यारी लड़की है यार। मैं एक बात कहना चाहूंगी, हाँ। दोस्तों को जबरदस्ती अब मत लपेटो अपने साथ, तुम ही करते हो बदनाम, कोई नहीं करता। रंजना अपने कोमल कोमल हाथों से आटा गूंथती हुई गाने सुन रही हूँ हनी सिंह के। कौन सा गाना सुन रही हो भाई मेरा, यो यो तू मेरी मकड़ा, हनीमून पे चलेंगे जमाइका जमाइका, बनू मैं जमाई तेरी माइका। जैसी अपनी है मासूम सी, वैसी आटा का गुन भी बना रखा है। तो दोस्तों फाइनली ब्लॉग मैंने एक्सपोर्टिंग में लगा दिया है, अब मैं भी सौरभ जोशी की तरह दिखा सकता हूँ दोस्तों क्योंकि मेरे पास भी मैकबुक है। तो आज बर्ती को लौकी का पद दिया जाएगा दगड़ियों। हनी सिंह फेवरेट है तुम्हारा? हाँ हनी सिंह के गाने मतलब मेरा माइंड वैसे ना, ये जो हम जो सेम 90s किड्स है ना, तुम हो गई मैं हो गया और भी जितने भी है भाई, हनी सिंह और ये आतिफ असलम, इनका क्रेज था हमारे जमाने में। धोएगी तू कच्छे और झूठे बर्तन, और गंदे बर्तन देखेगी सास बहू और दूरदर्शन, बन के रह जाएगी तू उस वही भी, और 24 घंटे तेरा यार होगा ऑन टीवी, फिर टीवी देख के तू बहुत पछताएगी, यो यो हनी सिंह ही तू गाएगी और बच्चों को सुनाएगी अगर गलती से। यार ऐसे कर दो हनी सिंह की तो। हाँ हनी सिंह की बोलो, और बच्चों को सुनाएगी और ये ही बतलाएगी अगर गलती से मुझसे ना होता ये पाप, तो यही होते बच्चों तुम्हारे बाप। हाँ। जो आतिफ असलम था वो हमारे जमाने का अरिजीत सिंह था। मैं रंग शरबतों का एक ये था, एक जर में सजा दू कर दिया, एक ये था और एक वो था, अरे यार जिसमें वो है अजब प्रेम की गजब कहानी कि तुझको चा साइनिंग इन द शेयर इन सन लाइक पॉल अप इन द ओशन बेबी फील मी कॉमा फील मी, एक ही वाला था ठीक है, और एक और था मैं हर घड़ी हर वक्त तेरे साथ रहा हूँ, ये वाला भी था जो भी है। और आजकल के देखो वेट अ मिनट I'm a new kid. Yeah. शाम के 8:30 बज रहे हैं दोस्तों, पूजा पाठ कर ली है। ओ माई गॉड कमरे का तो लुक ही चेंज हो गया है।